आप अकेले इतने कलर से खेल लोगे? वेरी गुड, आपको सब पता है। इनके बैग में ना मैंने वुमेन वाली सॉक्स रख दी। सारी सब्जियां भी आ गई है और जो हमारे पौधे ना उनमें खाद भी डलनी है। पूरा सामान फैल गया। भागो भागो भागो। आपको टाइम दिखाती हूँ, रुको। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 12 बजे, क्योंकि हम लोग अभी उठे हैं। रात को सोते सोते लेट हो गया था, क्योंकि हमारा जो गाना है नए मेहमान, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही दिन में 2 मिलियन हो गया और ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है अभी तक। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों को इतना प्यारा लगा है वो गाना, थैंक यू सो मच दिल से। गाने की क्लिप डाल रही हूँ छोटी सी, जिसने नहीं देखा है जल्दी जाके 1 रिकॉर्ड पे गाना पूरा देखे और अपना प्यारा सा कमेंट और ज्यादा से ज्यादा रील बनाए इस गाने पे। हम सारी रील्स जो है वो शेयर करेंगे। और ना ठंड थोड़ी सी मुझे लग रहा है यहाँ पे फिर से हो गई है, तो चीकू को जो है ट्रैक सूट बना रहे हैं ताकि उसे ठंड ना लगे, क्योंकि सुबह सुबह मैं और चीकू खांसी कर रहे हैं, है ना चीकू? तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, आज है प्लेन परांठे और नींबू का अचार, जो कि मैं वहाँ से लाई थी रास्ते से, एक होटल से लेके आई थी। यह अचार मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे ना जीगू ने अपनी पिचकारी कलर वगैरह सब भर लिए हैं और कह रहे हैं मम्मा ये 1 पैकेट है, मुझे 2 पैकेट और चाहिए। 2 पैकेट नहीं, तो 1000 रुपए। क्या करोगे, हम होली तो खेलेंगे नहीं। क्यों? प्रेगनेंसी में होली नहीं खेलते बेटा। मैं तो खेलूंगा। आप अकेले इतने कलर से खेल लोगे? चीकू क्या हुआ, क्या कह रहे थे? अभी जा, आप होली नहीं खेल सकते ना, क्योंकि एनर्जी बहुत जाती है। एनर्जी? हाँ। एलर्जी? एनर्जी। हाँ वेरी गुड, आपको सब पता है। तो अभी ना अरमान जी को आज जाना है जयपुर के लिए, उनकी फ्लाइट है पता नहीं कितने बजे, लेकिन 3 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो फटाफट से पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उनकी पैकिंग करती हूँ, क्योंकि पैकिंग में टाइम लगता है उनकी, बहुत सोच समझ के कपड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टेड है कपड़ों को लेके। तो यहाँ पर ना मैंने सारे का सारा सामान निकाल दिए और ये सब खाली कर दिए, तो अभी कपड़ा लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले ना इनकी डस्टिंग करी है और अब इसको कॉलिन से साफ करती हूँ, क्योंकि क्या ना घर में रोज डस्टिंग हो जाती है, बट ये वाला जो सेक्शन है ना इस पे कम हो पाती है। और अभी मैं ना कुछ सामान निकाल रही थी, देखा इतनी मिट्टी मिट्टी हो रही है, मैंने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो पहले इसे क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर ना सारे सर्दियों के कपड़े जो रह गए थे ना वो सारे निकलवा दिए हैं, क्योंकि ना एक दिन में सारी की सारी चीजें डाली हुई जाती है बेड में। 90% जो कपड़े हमारे जा चुके हैं नीचे, 10% रह गए हैं। तो चीकू के पापा की जो यहाँ पे अलमीरा है ना, उस साइड के निकाले हैं कपड़े भी। तो यहाँ पर ना चीकू के पापा की जो पैकिंग है ना वो हो गई एकदम डन, और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ना सो रहे हैं और साथ वाले रूम में सो रहे हैं, सो क्योंकि फ्लाइट में ना नींद आती नहीं है और मॉर्निंग में जिम गए थे तो बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। अब 2-4 चीजें रह गई है वो रख देती हूँ। एक तो प्रोटीन बार रखनी है इनकी, ड्राई फ्रूट रखने हैं इनके लिए, और कोलगेट ब्रश, शैम्पू और इनकी जो मेडिसिन होती है जैसे एसिडिटी, क्योंकि बाहर जाते हैं उनको एसिडिटी बहुत जल्दी हो जाती है, तो हमेशा मैं एसिडिटी की दवाई, पैरासिटामोल और डिस्प्रिट रखती हूँ, ताकि अगर तबीयत खराब हो तो ये सब मेडिसिन हमारे पास होनी चाहिए। और ना इनके बैग में ना मैंने वुमेन वाली सॉक्स रख दी है, क्योंकि मेंस वाली मिल नहीं रही थी, तो वुमेन्स वाले रख दी है। ये भी वुमेन्स वाली है, यहाँ पे लिखा होगा वुमेन्स। तो आज टाइम इतनी जल्दी निकलता है ना, पता नहीं चलता। हम इतने टाइम से सोच रहे थे बेबी शावर का, बोगा बेबी शावर हो भी गया, फंक्शन भी एंड हो गया, सब कुछ इतने अच्छे से हुआ, इतना मजा आया, बहुत मजा आया। तो बस अभी बैठी हुई थी तो बेबी शावर की यादें आ गई, मतलब याद आ गई। और बेबी शावर के जो गाने को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हो गाने को, और बहुत ही प्यार से हमने गाना बनाया था हर एक लेडीज के लिए जो प्रेग्नेंट है, जो होने वाली है। तो यहाँ पर ना सारी सब्जियां भी आ गई है, तो शांति लगा रही है फ्रिज में। तो यहाँ पर ना शांति धनिया काट के रख रही है फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पे ना चीकू के पापा के लिए ना सारा सामान रख दिया, इनकी प्रोटीन बार होगी, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन चॉकलेट्स हो गई, हैंड टॉवल हो गया, सारा सामान। और इनकी जो चप्पल है ना फेवरेट चप्पल, वो भी ड्रैकलिन पर आ गई थी, तो वो भी रख दी है बैग में। और अभी ना चीकू के पापा की टी शर्टे पहन लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना बाहर, ऐसा लग रहा है ऐसे अभी देखो पंखा भी चलाया हुआ है, तो अपनी जो टी शर्ट है ना हमारी टाइट हो गई है, तो इनकी टी शर्टे पहन लिए सारी। मैं नीचे खेलने जा रहा हूं। इधर आओ जी। इधर तो आओ, पापा से पूछा आपने? पापा से ना। तो गाइस ये वाला जो क्रॉकरी स्टैंड है ना, पूरा का पूरा ना अच्छे से ना सफाई हुई है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था ना, अब क्लीन लग रहा है सब कुछ। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ना पौधों को पानी डालना है और छत भी थोड़ी देखनी है, और जो हमारे पौधे ना उनमें खाद भी डालनी है। पहले देख के आती हूँ क्या चीज की कमी है, क्या चीज की कमी नहीं है। और अब तो गर्मी हो गई ना, अब तो दिन में 2-2 बार पानी डालना पड़ेगा सुबह शाम। ये चीज सही करी हमने, ऊपर वो लगा लिया पानी का ना, नहीं तो यहाँ से बाल्टी भर के ऊपर जाना बहुत मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर ना पानी की जो बाल्टी है भर गई है, और बस पानी डालना स्टार्ट करते हैं। और अभी क्या 4:30 बज रहे हैं, कुछ टाइम बाद गर्मी आएगी ना, तो इस टाइम पे तो ऊपर आ ही नहीं पाएंगे। तो गाइस जब भी मैं ऊपर आती हूँ ना, तो व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही होती है ना, तो मैं इतनी तेज बोल लूँ तब भी मुझे लगता है कि मेरी जो वॉइस है मैं ब्रेक करूंगी।
पायल भी आ गई है। मैं सोच ही रही थी गाइस कि नीचे जाऊं और जाके थोड़ी देर लेटू, बट पायल आ गई है तो मैं और पायल जा रहे हैं थोड़ी देर सोने। आजकल ऐसा मतलब ऐसा प्रेगनेंसी में क्यों होता है, मेरे साथ गाइस होता है ऐसा, आप भी बताना कि लेटते ही नींद आती है। मतलब एक पहले क्या होते थे, मैं ना फोन देखती रहती थी सोचती नींद आई पर अब देखो मैं लेट रही हूँ ना, मेरी आंखें बंद हो रही है, ज्यादा बोलूंगी नहीं, थोड़ी देर सोती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो आप जो देख रहे हो ना पूरा कमरा जो फैला हुआ है, ये अरमान जी जा रहे हैं जयपुर और पीछे से पूरा सामान फैल गया है। अभी जो है अलमारी यहाँ पे पूरी सेट हुई। कागल ली थी। अभी मैंने इसको देखा, ये शीशा नहीं हमारे इस वाले रूम में, शीशे के पास ना पूंछ ला रहा था देखकर। शीशे में अपने आप को देख रहा हुआ। पूंछ तो ले क्या बात कर रहा था अपने आप से, हाँ ये भी है। तो गाइस बहुत सारा ना खिलेड़ा मच गया यहाँ पे, क्योंकि चीकू के पापा गए थे, सोचा पूरी अलमारी भी सेट कर देती है, तो टाइम लगेगा इसको सबको सेट करने में। चीकू ना कुछ भी नहीं छोड़ता, ये हमारे होने वाले बच्चों के लिए आए थे गिफ्ट, तो चीकू ने ये सॉफ्ट टॉय निकाल के रखे हुए, कह रहे मैं यूज करूंगा, तो कल बेड में डाल दी थी, फिर से बेड से खोल के बेड में निकाल मतलब इसने बेड पे रख दी है। और गाइस हमने ना बहुत कुछ सोचा था, गोद भराई वाले दिन ना हम ये करेंगे वो करेंगे, गेम्स खेलेंगे, मैंने इतनी तैयारी भी की थी, मैं बोर्ड लेके आई थी, मार्कर लेके आई थी, रिबन्स लेके आई थी, पर क्या हुआ ना कि हमें रेडी होते 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 4:30 बज गए थे और जो प्रोग्राम शुरू होना था वो 2 बजे शुरू होना था, तो बस पूजा के बाद हमने लोगों की विशेष लेने के बाद खाना खा के घर ही आना पड़ा। सारे गेम्स जो हैं वो हमारे रह गए, पर अरमान जी ने लोगों का ना एंटरटेन कर दिया था, उन्होंने थोड़े बहुत गेम खेले थे उनके साथ, पर हम लोग नहीं खेल पाए, जो हम लोगों को करना था ना एंजॉय वो नहीं हो पाया। जिमी जिमी बहुत खेल रहा है, जिमी ध्यान, भागो भागो भागो। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए और जा रहे हैं, रेडी क्यों है बस कपड़े चेंज कर रहे हैं, जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। नितिन भैया गए हैं गाड़ी निकालने के लिए, तो मैं पायल नितिन भैया सूरज भैया और लक्ष्य चीकू मूवी देखने के लिए निकल गए हैं। तो मूवी थिएटर जाने से पहले ना मैक पफ खाने का मन कर रहा है, कल भी मैक पफ खाने का मन कर रहा था मेरा, रात को जो मेरे लोग बर्गर खा रहे थे पर मैकडी बंद हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैक पफ खा लेते हैं आज हम ना। आपको टाइम दिखाती हूँ रुको, देखो 10:28 हो गए, 10:30 बजे का शो है, तो आज हम ना जल्दी आ गए थे, तो जल्दी आ गए तो मैंने उसका फायदा उठा लिया, मैंने कहा मैकपफ ले लेते हैं, मैकपफ खा के फिर पहुंचते हैं मूवी देखने। तो गाइस मूवी से पहले यहाँ पे चल रहे हैं पॉपकॉर्न ले रहे हैं और साथ में हम ले रहे हैं स्वीट कॉर्न और पानी की बॉटल। तो गाइस अभी भी ना टाइम है मूवी को 10 मिनट है, तो अभी एक काम करते हैं, ऑर्डर वाटर सब कुछ कर लिया है, आराम से ना बैठ जाते हैं। और चीकू आ जाओ बेटा, तैयार हो गए। तो गाइस मूवी देख के आ गए, मूवी बहुत अच्छी थी। चीकू मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी। हाँ और चीकू आपने कार्ड वहाँ पे घुमा दिए थे ना, सारे सारे घुमाते हैं, 2 घुमा। हमने आज बहुत कुछ खाया, टॉर्च जला जला के झुक झुक के ये निकाला है, स्वीट आज हमने, मैंने 2 बार स्वीट कॉर्न खाया, मैक पफ खाया, पॉपकॉर्न खाया, कोल्ड ड्रिंक पी है, आज बहुत कुछ खा के हैं गाइस, तो पेट बिल्कुल भरा हुआ है। तो यहाँ पर ना चीकू को भी पान ने तेल लगा दिया, खुद भी लगा लिया, और चीकू खा रहा है चौकोस क्योंकि चीकू ने रोटी नहीं खाई थी। चीकू चौकोस खा के बेटा फिर सो जाएंगे हैं, ठीक है ना। तो गाइज आजकल ना यूट्यूब पे ना बहुत ज्यादा फेक न्यूज आ रही है मेरी और पायल के डिलीवरी के बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी डिलीवरी में टाइम है, मेरा 8th मंथ चल रहा है और पायल का 7th मंथ की स्टार्टिंग हुई है, मतलब ये मेरी 8th मंथ की स्टार्टिंग हुई है, तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है। तो गाइज प्लीज ऐसी वीडियो मत बनाओ कि डिलीवरी हो चुकी है, क्योंकि इतने सारे लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, कॉल्स कर रहे हैं कि आपकी डिलीवरी होगी, बताया नहीं, तो अगर हमारी डिलीवरी होगी तो हमारे चैनल पे आ जाएगा कि मेरी और पायल की डिलीवरी हो गई है, तो मैं नहीं चाहती कि वक्त से पहले कुछ भी हो, जो वक्त है दुनिया में बच्चे के आने का वही वक्त पे आना चाहिए, तो सब कुछ सही रहे, और भगवान से यही रोज यही दुआ करती हूँ कि मेरी और पायल की जो डिलीवरी है ना एकदम टाइम पर हो जाए। तो मैंने लोगों को बताया कि हम दोनों को इतने कॉल्स आ रहे, मैसेज आ रहे कि आपकी डिलीवरी हो गई है, तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, जब होगी तो बता देंगे, वक्त से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, जो वक्त होता है दुनिया में आने का बच्चे का वही होता है, बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बट ऐसी न्यूज़ ना फैलाओ, है ना। तुझे कितने सारे कॉल मैसेज आ गए? मेरे पास भी बहुत सारे आ गए बेटा, खत्म करो, चलो खड़े हो जाओ। तो गाइस कल ना हमें डॉक्टर के पास भी जाना है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, क्योंकि हमारी ना 2-4 दिन से मेडिसिन भी मिसप्लेस हो गई है, एक कैल्शियम की मेडिसिन है जो ना बेबी शावर के फंक्शन होते ना घर पे, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ मेडिसिन रखी है, तो 2 दिन हो गए कैल्शियम की दवाई भी नहीं खाई, पायल की लिवर की मेडिसिन भी खत्म है, तो कल किसी भी हालत में जाएंगे डॉक्टर के पास सबसे पहले। और चीकू के पापा का भी फोन आ गया था कि वो जयपुर पहुंच गए हैं, अच्छे से सब कुछ हो गया है, बस कल उनका मैच है, अच्छे से निपटा दे, और क्या बोलते हैं साथ में जतिन भैया ना, तो टेंशन नहीं है, ऐसे तो चीकू के पापा को सब कुछ ना
समझा दिया था कहाँ सामान कहाँ पड़ा है, बट ना होता है ना कि जब हस्बैंड से अकेले जाते हैं ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बैग पैक करने में, बैग को अनपैक करने में ये चीज उन प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस गाइस इसके साथ ही व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना भूलना। जिसने अभी तक गाना नहीं देखा नन्हे मेहमान, जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड पे गाना देखिए और अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए और आप अपनी खुशियां हमारे साथ शेयर कीजिए, मतलब कि आप उस गाने पे रील बनाइए, हमारे साथ कोलैब कीजिए, हम वो कोलैब जो है अपने पेज पे एक्सेप्ट करके आपकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।